अस्सलाम वालेकुम। काल आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 9 तरफ याचे काही परिच्छेद आपण पाहिलेले आहात। आता आपण पुढचे राहिलेले परिच्छेद भाग 2 मध्ये पाहूया। आता आपण परिच्छेदाकडे वळूया। आपण काल पाहिलं की आर्किमिडीज काहीतरी रेघोट्या मारून कागदावर तो सारखा नुसता त्याच्याकडे पाहत बसायचा, तेवढ्यात त्याचे वडील येतात आणि त्याला रागवतात। आता पुढे पाहूया। शाह, तुला कैक वेळा सांगितले की हे कागदावर गिचिड मिचिड करणे बस झाले। गिचिड मिचिड याने जो है इतने बारीक अक्षर, और जिसने लिखा है उसे ही पढ़ते आए इस तरीके के, कि हमने उसके वालिद कहने लगे कि मैंने तुझे कितनी बार कहा कि ये कागद पर गिचिड़ मिचिड़ लिखना बंद कर दे। मुलाला तो माणूस दरडाऊन सांगत होता। तो माणूस, तो म्हणजे त्याचे वडील होते, तो माणूस मुलाला दरडाऊन सांगत होता, दाट कर कह रहा था। समोरचा तो मुलगा दुसरा तिसरा कोणी नसून आर्किमिडीज होता, आणि तो माणूस म्हणजे त्याचे वडील होते। मैंने आपको बताया कि जो दाट कर बोलने वाला शख्स था दूसरा तीसरा कोई नहीं, उसके वालिद थे, और वो जो है वो बच्चा जो था वो उनका लड़का था। वडिलांसमोर मुलगा आता थोड़ा थरथरत उभा होता, और वो बच्चा जो था उसके वालिद के सामने थरथर काँप रहा था। वडील मुलाला आणखी दम भरणार तोच त्यांचा शेजारी फाटक उघडून आत आला, और कुछ बोलने से पहले एक शख्स जो है उनके घर का फाटक खोल कर अंदर आया। मग वडिलांनी त्या शेजाऱ्याला मुलाची गराणी सांगायला सुरुवात केली। म्हणाले, पाहिलं तालिमीला जा असे मी सांगतोय याला, पण हा ऐकत नाही। और उस बाजू वाले शख्स को इसके जो है इस बच्चे के गराने जो है कहना शुरू कर दिया कि आपने देखे इस बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि तालीम के लिए जा, मगर ये जो है सुनने को तैयार नहीं है। शरीर छान झाले तर हा किती पुढे येईल, निदान काही धंदाशी तेही नाही, सारा दिवस हा असा बसतो कागदावर रेघा मारत, कळत नाही काय आहे त्या रेघोट्यात एवढे। और तालीम को जाने की वजह से शरीर अच्छा होगा, उसी के साथ मैं इसे कह रहा हूँ कि कुछ धंधा पानी सीख, मगर वो भी नहीं सीख रहा है। सारा सारा दिन जो है कागज के ऊपर पेज पर रेघोटिया यानी रखीले मारते बैठा रहता है। शेजाऱ्याला वडील आणखी काही सांगत राहिले असते, पण तेवढ्यात आरकीची आई तिथे आली, और बाजेवाले को उसके वालिद कुछ और कहते थे, मगर इतने में उसकी वालिदा सामने से आती हुई नजर आई। आपल्या मुलाला कोणी हसलेले बोललेले तिला खपत नव्हते, और अपने बच्चे को किसी ने हंसा या कुछ बोला उसे उसकी माँ को नहीं चलता था। ती ताड़कन आरकीच्या वडिलांना म्हणाली, और वो फट से उसके वालिद को कहने लगी, तुम्ही आधी बाजारात जा पाहो, जा बकरीचे दूध आना, पोरे सकाळपासून उपाशी आहेत, दूध नाही मिळाले तर मध आणा जा। और उसने गुस्से से उसके शोहर से कहा कि पहले आप बाजार में जाइए और बकरी का दूध लेकर आइए, अगर बकरी का दूध नहीं मिलता तो शहद लेके आइए, क्योंकि उसके बच्चे जो है उपाशी बोले तो भूखे हैं। जाओ पहले बाजार जाकर दूध ले आओ, दूध नहीं मिला तो शहद लेकर आना। बायकोचा तो अवतार पाहून आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला। काढता पाय घेणे यानी चलने लग जाना, तुरंत चलने लग जाना। और
उसकी औरत का, जो ये गुस्से भरा आवाज़ सुनकर आरकी के जो वालिद थे वो जो है बाजार की ओर चलने लग गए। पुनः आरकी ने कागद तोंडात खुपसले, वो तो कागदावर चित्त वृत्ति वगैरह काढ़ू लागला और उसने जो है तो कागज़ फिर से निकाला और उसके ऊपर मैथमेटिक का कुछ आकृतियाँ काढ़ने लग गया। चित्त वृत्ति यानी आकृति बनाना। समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाढत होती, उन सनसनीत तापू लागले होते। सामने के रस्ते की जो है गर्दी वर्दळ, आना जाना ज़्यादा बढ़ गया था लोगों का और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगी थी। एकदम जोर जोरात आरडाओर ओरड ऐकू आली, म्हणून आरकी रस्त्यावर गेला और एकदम जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर आरकी उस आवाज़ की ओर उन लोगों के पास गया। पाहतो तो काय, एका भल्या मोठ्या काड्या दगड़ावरती सारे जन गोळा झाले आहेत और वहाँ पर जाके देखता है तो उसे नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा काला पत्थर वहाँ पर है और उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हाथ वारे करत आहेत, हाथ ऊपर नीचे कर रहे। हाथ वारे बोले तो हाथ ऊपर नीचे करना। दगड़ा बोती त्या लोकांनी खड्डा खनलेला होता और उस पत्थर के आजू बाजू से उन्होंने जो है खड्डा खोदा हुआ था। लोखंडी पहारी आणि शिगा घालून ते तो दगड खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते, पण दगड दूर हटायला तयार नव्हता। लोखंडी पहार से और जो है उस पत्थर को वो निकालने की कोशिश कर रहे थे मगर पत्थर जगह से हिलने को तैयार नहीं था। एखादा बैल खाली अड़ून बसा हुआ तसा तो बसला होता और जिस तरीके से थका हुआ बैल एक जगह बैठ जाता है और उठने का हिलने का नाम नहीं लेता, उसी तरह से ये पत्थर जो है उस जगह पर फंस कर बैठा हुआ था। धावतच आरकी त्या गर्दीत गेला आणि हात उंचावून म्हणाला, थांबा, असा हाताने हा का एवढा मोठा दगड उचलला जाणार आहे? और आरकी उस गर्दी में गया और बोलने लगा, रुको रुको, इतने जो है ये हाथों से ये इतना बड़ा पत्थर निकलने वाला है, त्यासाठी तरफ तैयार करायला हवी तरफ, इसके लिए जो है तरफ तैयार करना पड़ेगी। तरफ, तरफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस चीज़ से बड़ी चीज़ टेका देके उठाई जाती है उसे तरफ कहते हैं। तरफ तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले, पण आरकी त्यांच्या तोंडाकडे पाहत बसला नाही। तरफ तरफ क्या है ये तरफ शब्द का सबको जो है आश्चर्य लगा कि भाई तरफ क्या है, और सब जो जितने खड़े हुए थे वहाँ पर आरकी के चेहरे को देखते रहे मगर आरकी जो है चुप नहीं बैठा। इकड़े तिकड़े पाहत त्याने एक भला मोठा लाकड़ी वसा तैयार केला और इधर उधर देखकर उसने जो है एक लकड़े का वसा तैयार किया, टेका तैयार किया जिससे वो आसानी से उठा सके। तो दगड़ा खाली जाईल तितका खोल खुपसला व त्या वशा खाली लाकड़ाची एक गंडेरी ठेवून त्याने म्हटले, और उसने जो है उस तरफ तैयार किया और थोड़ा सा गड्ढा करके अंदर खुपसा और उसके बाद एक गंडेरी, गंडेरी बोले तो ये गंडेरी है, मैंने आपको कल बताया ये गंडेरी है और ये तरफ है। तो वो जो है उसने लकड़ी को जो है उस बल्ली को उसके पत्थर के नीचे खुपस कर नीचे से एक लकड़े की गंडेरी तैयार करके नीचे रखा और यहाँ से उसने दबाया, दबाने की वजह से ये पत्थर ऊपर आ गया। देखते आ गए, लोगो या टोका पाशी लावा बड़, और बच्चों इस टोक पर लावा बड़ यानी यहाँ पर ये कोपरे पर ताकत लगाओ, यानी यहाँ पर दबाने की वजह से यहाँ टेका होने की वजह से पत्थर ऊपर आएगा। चार हाथ एकत्र आल्या बरोबर तो अगड़बंब दगड़ आस्ते आस्ते सरकू लागला। अगड़बंब दगड़ यानी काला बड़ा पत्थर, ये जो है धीरे धीरे सरकने लगा।
सारे जन पाहतस राहिले और सारे लोग जो है उसे देखते ही रह गए। एखादी म्हैस तळ्यामध्ये मनसोक्त डुंबून हळूहळू बाहेर पडावी तसा तो दगड खड्ड्याबाहेर आला और एखादी म्हैस जिस तरीके से पानी में मनसोक्त बैठी हुई नजर आती है और डूबने के बाद जैसे आराम से बाहर आती है, उस तरीके से ये पत्थर धीरे धीरे बाहर आ गया। झावडी झाडाच्या सावलीला एका टोकाला तो दगड हलवण्याचे कंत्राट घेतलेला ऐसा उभा होता और एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे जिस शख्स ने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था बाहर निकलने का, वो वहां से देखते हुए खड़ा था तो एकदम खुश झाला और वो जो है शख्स खुश हुआ। आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली, त्याला शाबासकी दिली और आरकी के पीठ के ऊपर उसने थाप मारे, थपथपाया और शाबासी दी। आरकीला घेऊन तो दुसऱ्या दिवशी त्याच्या बड्या नातलगाकडे गेला और आरकी को लेकर उसने जो है उसके एक बड़े रिश्तेदार के पास लेकर गया। हा बड़ा नातलग हायरो राजाच्या दरबारी फार मोठ्या जागेवर होता और ये जो रिश्तेदार था उसका राजा के दरबार में एक बड़ी पोस्ट पर था। त्याला ही थोड़ी भूमितीबद्दल आस्था होती। हायरो राजा गुणीजनांचा चाहता होता। या बड़ा माणसामुळे आरकी हायरो राजाकडे जाण्यास निघाला और जो रिश्तेदार था उसको भी भूमिती के बारे में जानकारी थी, मालूमात थी। और हायरो राजा जो गुणवान विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है उसका जो है चाहता था, वो उन्हें जो है चाहता था। और उस बड़े आदमी ने, रिश्तेदार ने उसको जो है हायरो राजा के लिए, हायरो राजा से मिलाने के लिए चल पड़ा। शहराच्या एका टोकाला हायरो राजाचा प्रचंड मोठा राजवाडा होता और शहर के एक कोपरे के ऊपर हायरो राजा का एक बहुत बड़ा राजवाड़ा होता, महल था। राजरस्त्यावर दुतर्फा उंच उंच वृक्ष होते और जिस रास्ते पे जा रहे थे राजा के राजवाड़े तरफ, उस रास्ते पे बड़े बड़े जो है वृक्ष थे, पेड़ थे। त्या रस्त्यावरून आरकीचे वडील आरकीला घेऊन दरबारात जात होते और उस रास्ते से जो है उसके वालिद और वो लोग उसके साथ राजा के दरबार में उस बच्चे को ले जा रहे थे। ते स्वतः हळूहळू बिचकत दचकत पावले टाकत होते आणि आरकी मात्र तसाच खिशामधून कागद काढून कागदावरील क्लिष्ट गणित डोळ्यासमोरून घालत जात होता और उसके वालिद और ये दचकते दचकते उस राजा के राजवाड़े पे जाने के लिए निकले थे। मगर ये जो आर्किमिडीज था ये अपने जेब से फिर कागज़ निकाल कर उसके ऊपर हिसाब, कुछ ना कुछ हिसाब करता हुआ नज़र आ रहा था। वडिलांनी मागे पाहिले कि घाबरून आरकी हातातला कागज झटकन खिशात लपून टाकी और जैसे ही वालिद ने उसके तरफ देखा तो आरकी जो है तो वो कागज़ वापस चोला मोला कर अपने खिसे में डालता नजर आया करता था। आपण राजदरबारी जात आहोत त्याचे त्याला काहीच वाटले नाही और अपन जो है राजा के दरबार में जा रहे हैं ऐसा आरकी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। त्याला खरा आनंद झाला होता। तो एकाच गोष्टीचा तर्फेच्या बाबतीत दोन टोकांना लागणाऱ्या प्रेरणा यामधल्या टेकूचा अंतरापासून व्यस्त प्रमाण अस्तात ही त्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली और सबसे ज़्यादा उसे खुशी इस चीज़ की महसूस हो रही थी कि जो उन्होंने टेकू लगाया था, आरकी ने जो टेकू लगाया था, जो तरफ लगाया था, उससे और पत्थर से उसका कितना अंतर है, इसका जो है वो मुझमाफ कर रहा था, यानी इस तरीके से कि भाई इसका कोण क्या है, ये कितने इसका हो रहा, नौवत का हो रहा, ये पत्थर से ये जो कोण कितने का हो रहा है, ये किसने का हो रहा है, यहाँ से जो कोण आता है इसके बारे में वो
जानकारी निकाल रहा था। रत्नजड़ित मुकुट घातलेले राजाकडे पाहून छोटा आरकी भांबावून गेला और हीरो से जड़ा हुआ जो मुकुट था, ताज था, वो देखकर आरकी थोड़ा चकित रह गया। राजा त्याला म्हणाला, मला सारा वृत्तांत कळला है। और राजा ने कहा कि ये जो आपने किया, ये सारी बातें जो है मुझे पता है। अशी हुशार मुले या देशाला हवी आहेत और ऐसे हुशार बच्चे इस देश के लिए चाहिए मुझे। आजपासून तू या दरबारात राहायचे, दिवसभर अभ्यास, मनन, चिंतन, वाचन करायचे और आज से तू इस दरबार में रहेगा, पढ़ाई करेगा। मी तुझा पाठीशी आहे और मैं जो है तेरे पीछे हूँ। तुझे जो करना है, जो सीखना है वो सीख सकता है। हे पाहून दरबारातील सारे लोग आनंदाने टाळ्या वाजवू लागले, वो आरकीचे कौतुक करू लागले। और ये सुनकर सारे जो दरबार में लोग थे उन्होंने टालियां बजाई और उसका कौतुक किया। बच्चों, ये जो पाठ था तरफ, ये दो भाग में ख़त्म हुआ। एक बार दो बार बगौर सुने। अल्लाह हाफिज़।